अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अहमद फूडीज। गाइस मैं हूं आपका अहमद। तो गाइस मेरे कल पेपर स्टार्ट हो रहे हैं फाइनल के, फिफ्थ सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में। इस वजह से मैं यहां पे हॉस्टल भी रह रहा हूं, तो सोचा भूख लगी थी कुछ खा पी लें। तो अभी मैं जा रहा हूं यहां पे, मैंने मेरे दोस्त ने एक बताया कि ना एक बहुत ही ना डिफरेंट किस्म का ना लगाता है भाई आलू वाला नान, मतलब कि फ्राई करके देता है बहुत, मतलब उसकी रेसिपी बहुत डिफरेंट है दूसरे से, मतलब बहुत से लोगों से डिफरेंट है। तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करता हूँ यहाँ का फ्राई वाला, फ्राई हुआ नान, देखते हैं भाई कैसे कैसे बनाते हैं, और आपको भी दिखाता हूँ कैसे ये इसकी मेकिंग प्रोसेस कैसे हो रही है। तो चलो गाइस मेरे साथ रहिएगा, अभी मैं ऊपर से फ्लैट से नीचे आया हूँ, चलो आपसे बात भी करते हैं और दिखाते भी हैं। चलो गाइस आओ मेरे साथ। तो गाइस अभी मैं ना शॉप पे आ चुका हूँ, ये भाई लगाते हैं यहाँ पे आलू वाला नान बहुत ही डिफरेंट किस्म का, मैं भी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो चलो गाइस इनसे बात भी करते हैं और देखते हैं ये क्या कर रहे हैं भाई, आलू वाला नान ही लगा रहे हैं, देखें वो आलू वाला नान बन रहा है। तो अभी हम इस भाई से बात भी करते हैं और अपने लिए भी लगाते हैं, बनवाते हैं। तो गाइस अभी बनने जा रहा है हमारा आलू वाला नान, इसकी रेसिपी देखते हैं। अंकल बनाइएगा, साथ साथ बता भी दीजिएगा क्या क्या। सब तो पहले तो नान अच्छी दुकान तो लेना जेड़ा सही मैदे का, सही मैदे का नान बनाते हैं। नान बनाने भी कई मैदा इस्तेमाल करते हैं, विच फाइन और विच मिक्सिंग करते हैं। अच्छा, इसलिए जरूरी है कि मैदे सही जेड़ा मैदे वाला नान है ना वो लेके आना, वो लेकर आना। उस तो बाद दूसरी जी जरूरी है कि बेसन सही होना चाहिए। आम तौर पर दुकानदार की करते हैं कि मैदे के रंग पा के उन्हें पीला बना के तो बेसन वाला नान बना दें, जिंद वजह ना अमूमन खाने तो बाद शिकायत आती है कि पेट बड़ा सख्त हो गया, तो नान की वजह ना वो प्रॉब्लम आ रही है मेडिकली। तो अंकल ये लेप किस चीज़ का बना है? ये खालस बेसन है, ये खालस बेसन का लेप, खालस बेसन का, खालस बेसन जो आम दुकाना तो सस्ता मिलता है लेकिन ये लिया स्पेशल चक्कियां तो खुद तैयार किया, खुद खुद चक्कियां जो खास तौर पर जरा महंगा होता है, कॉस्टली होता है। आम बेसन 140 से 160, ये 200 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो। और ये जो आलू वाला पेस्ट जो ऊपर लगाया है आपने, ये किस चीज़ का बना हुआ है? आलू के साथ क्या क्या मिक्स किया? आलू के नाल इन दूसरे जड़े लवाजमात ने सुखा धनिया होंगे, जीरा होंगे, हल्दी होंगी है, नमक मिर्च और काली मिर्च ज़्यादा बहुत जरूरी है, टेस्ट डिवेलप करनी काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। काली मिर्च मतलब सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये ऊपर इन्होंने भाई ने फिर लेप कर दिया आलू वाला पेस्ट, और अभी अंकल ये थोड़ा जहा ऊपर सलाद लाइदा ताकि एक तो टेस्ट डिवेलप हो जाता, एक दूसरा कि ताड़े जिहड़े ना पेट दे विच वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, मतलब जल्दी से हजम हो जाता है, जल्दी हजम हो जाता है और गैस खारिज करने का भी सौख बनता है जी। ऊपर से ये फिर बेसन वाला पेस्ट ऊपर डाल रहे हैं, एकदम से अच्छे तरीके से ऊपर से फैला रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से ऊपर सारी चीज़ें लग जाएं। आपने कभी इस तरह का ना आलू वाला नान लगता कभी नहीं देखा होगा, एकदम से डिफरेंट है दूसरों से। और मैंने ये पर्सनली कल खाया था, इसलिए मैं आज दोबारा वीडियो बनाने के लिए आया हूँ कि बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे बनता है। ये देख कितने कितने तरीके से ये ऊपर लगा रहे हैं, एकदम से खालस बेसन का लेप है साथ में आलू वाला, और साथ में जो नान है जो वो बहुत बेस्ट है, अच्छे वाला नान। अगर मैदे उत्ते मैदा लाओगे तो उसकी वजह ना एक तो जो नान तुम तोड़ोगे बिच ड्राई नहीं होगा, बिच ऑयल होएगा, ये बेसन लगा है सही बेसन लगाएगा, बिच ऑयल नहीं होगा, जो तुम उन्होंने तोड़ोगे लुकमे तो वे ड्राई तो नज़र आएगा, जिंद वजह जोत हजम हो जाएगा। आम तौर पर कस्टमर ने ये चीज़ों का पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता। अच्छा गाइस आपके माइंड में एक क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि मैं अंकल का क्यों नहीं ला रहा, अंकल ने पहले बता दिया कि मुझे नहीं लाना, सिर्फ रेसिपी दिखानी है मैंने, बस ये रेसिपी की सिर्फ हम वीडियो बना रहे हैं, और अभी ये जाएगा फ्राई होने के लिए कढ़ाई में। तो अंकल डालें? हाँ जी ये फ्राई होने के लिए जा रहा है,
ये देखो एकदम से गर्मा गर्म घी में चला गया फ्राई होने के लिए। ये देखो कितनी देर में ये फ्राई हो गया? ये तीन चार मिनट लग गए। तीन चार मिनट में ये सारा फ्राई होकर बाहर आ जाएगा। तो अंकल प्राइस बता दें इसकी। मैं सेल कर रहा हूँ 50 रुपए। 50 रुपए का ये? 50 रुपए का ये है गाइस गाल वाल नान जो फ्राई कर रहे हैं अंकल भाई मान लिए। इस महंगाई के दौर 50 रुपए एक नान खा के बंदे का अच्छा लंच हो जाता है। मतलब कि 50 रुपए में आपको इतना अच्छा लंच कहीं नहीं मिलेगा। वैसे भी पेपर चल रहे हैं, पढ़ाई में भूख लग जाती है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं यही लंच करने के लिए। भाई अभी हमारा आलू वाला नान रेडी हो चुका है यहाँ पे। एकदम से देखे कलरफुल कितना हो गया। ये देखिएगा ये एकदम से निचोड़ रहे हैं घी इसमें से ताकि ऑयल ज़्यादा ना रहे ऊपर। हमारा आलू वाला नान रेडी हो चुका है। ये आ गया भाई हमारा आलू वाला नान। ये चलेगी प्लेट में हमारे। इसके साथ अंकल क्या देते हैं हम? इसके साथ दही की चटनी। इसके साथ है दही की चटनी। और ये देखिए इसको आप जब आप इसको तोड़ेंगे तो बिल्कुल दरमियान से ड्राई होगा। देखे गाइस एकदम से आप देख सकते हैं कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि और अंदर से भी ड्राई है। इसमें घी नहीं पका हुआ है। घी नहीं है देखो। ठीक हो गई ये हमारा रेडी चुका है और साथ में अंकल हमें देते हैं। ये चलेगी इसमें चटनी दही की चटनी और साथ में ये दे रहे हैं थोड़ा सा सलाद आ गया। ये हमारा रेडी हो चुका है। ये लंच करने के लिए रेडी हो चुका है हमारा। तो अभी इसको कर लेते टेस्ट और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा। तो गाइस अभी इसको करते हैं टेस्ट गर्मा गर्म और बहुत ही देखने में भी आपको लग रहा है थोड़ा मज़ेदार लग रहा है। इसको करते हैं टेस्ट। मज़ा आ गया। इससे पहले मैंने बहुत से आलू नान खाए हैं इस तरह का नहीं बनाते थे। ये एकदम से अलग से रेसिपी है बहुत ही मज़े का बना हुआ है। ये एकदम से ऊपर सलाद वगैरह डाला हुआ है साथ में उन्होंने दी है ये चटनी। मज़ा आ गया। लोग बहुत पसंद करते इसको। साथ में अंकल दे देखे कितने लार्ज क्वांटिटी में ये लगाते हैं रोजाना आज का नाम लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो गाइस अभी मैं इसको जल्दी से फिनिश कर लेता हूँ। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में पेपर्स के बाद। अल्लाह हाफिज़।